ओके, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। आज जो हमारा टॉपिक है वो है कमाने के लिए पढ़ो, कमाने के लिए पढ़ो। हाँ, कमाने के लिए पढ़ो। ये लोग सब कहते हैं कि भाई अगर आपको पढ़ाई करनी है तो आप सिर्फ इसलिए पढ़ें कि आपको अगर कुछ कमाना है। यानी अक्सर देखा गया है कि लड़कों को हमारी फैमिलीज में पढ़ाते हैं बहुत ज़्यादा और लड़कियों को कटा देते हैं, क्योंकि उनको कमाना तो होता नहीं, उन्होंने तो शादी करनी होती है, तो क्यों इतनी इन्वेस्टमेंट करें, है ना भाई। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि ये जो है ना, आप यहीं पर जो है ना मसला क्लिक कर देते, क्योंकि अगर लेडीज़ नहीं पढ़ेंगी तो आपके जो लड़के हैं जिनको आप कमाओ मशीन बोलते हैं, वो अक्सर उनके पास ही रहती हैं। अक्सर फिर बोल दिया मैंने, वो अक्सर उनके पास ही रहती हैं, बोलूँगा मैं अक्सर, भाई मेरी आदत है, मैं क्या करूँ। और वही उनको सिखाती हैं कि भाई आगे क्या करना है, वही उनकी तरबियत करती हैं। तो अगर वही पढ़ी लिखी नहीं होंगी तो वो उनसे इम्प्रेस नहीं होगा, या उनसे जो है ना इंस्पायरेशन नहीं मिलेगी उसको, तो वो लोग क्या पढ़ाई को फोकस करेंगे। तो मेरे ख़्याल से तो भाई फीमेल की पढ़ाई ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेल से, क्योंकि पढ़ी लिखी माँ होगी तो वो खुद ही बोलेगी कि भाई पढ़ना ज़रूरी है, वरना अगर पढ़ी लिखी माँ नहीं होगी तो भाई बोले कि, तो वो उससे मोटिवेशन नहीं लेगा। ये मोटिवेशन बहुत ज़रूरी होती है घर से, सिर्फ अब्बा जो है, अब्बा तो गायब होते हैं, घर पे तो होते नहीं हूँ, मैं कामों में लगे होते हैं, अम्मी होती हैं, और अम्मी अगर पढ़ी लिखी नहीं है तो फिर कुछ नहीं है। पढ़ी लिखी का मतलब ये नहीं है सिर्फ कमाने के लिए, ये तरबियत के लिए भी इम्पोर्टेंट होता है, आपको वो ग्रो करता है पढ़ना। तो मैं तो ये कहूँगा आपको कि भाई कमाने के लिए पढ़ो, और ख़वातीन को भी पढ़ाओ और ख़ुद भी पढ़ो, सबको पढ़ना ज़रूरी है भाई, इल्म हासिल करना बहुत ज़रूरी है। साइंस मैथ ज़रूरी है, इससे लॉजिक अच्छी होती है आपकी भाई, समझो।